के पास हेड के नीचे रक्षे के पास आ जाए, उस रक्षे के पास फोन करें ताकि पुरुष के रूप में कथा होकर श्रीमान के विकास को कथन किया जाए। आए हैं जिसको बड़ा हल्के में लिया जा रहा है। इन तीनों अध्यादेशों में जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यवस्था इस मानव को जो भारतवर्ष में रह रहा है उसको पूर्णतया गुलाम बनाने की है। ये कृषि संबंधी अध्यादेश केवल ये चीज नहीं है कि आपके बाजार में माल नहीं आएगा, बिचौलिए की मार्फत तोलेगा नहीं, ये नहीं है कि सर में रहने वाला मजदूर उसको तोलेगा नहीं, यहां तक ही नहीं है कि इसके अंदर किसान को भाव नहीं मिलेगा। बड़ी चालाकी से केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आवश्यक वस्तु विक्रय अधिनियम में संशोधन किया है और स्टॉक लिमिट घटाई है उसमें बड़ा व्यापारी चंद दिन तक प्रतिस्पर्धा में थोड़ा महंगा खरीदेगा और महंगा खरीद के सारा स्टॉक अपने यहाँ पर इकट्ठा कर लेगा और स्टॉक की लिमिट न होने पर उस माल का बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करेगा और वो कृत्रिम अभाव इस क्षेत्र के ही नहीं पूरे देश के आम व्यक्ति को भूख मरने के लिए मजबूर कर देगा, महंगा दामों पर माल बेचेगा और उससे लाभ कमाएगा और दोबारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित हो जाएगा। इसलिए मित्रों अभी हमने व्यापार मंडल से भी अनुरोध किया है कि आज और कल में तमाम व्यापारियों की शहर में बैठक बुलाएं और बैठक बुलाकर इस तमाम जो अध्यादेश आए हैं, अभी तो फुटकर व्यापार के संबंध में भी अध्यादेश आ रहा है, मॉल्स खुल रहे हैं, रिलायंस का मॉल खुल रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप का मॉल्स खुल रहे हैं, अंबानी ग्रुप के, अडानी ग्रुप के, ये तमाम, उसके बाद में आपके पास रोजगार कहां से रह जाएगा, आपके पेट भरने के साधन कहां से रह जाएंगे, इस पर विचार करने के लिए व्यापारी अपनी बैठक बुलाएं और हम तमाम जो शहर के मजदूर साथी हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप इस बात को भूल जाएं कि कौन अध्यक्ष है, आप इस बात को भूल जाएं कि कौन महासचिव है और कौन नहीं है, इस बात को याद रखें कि हम मजदूर हैं और हमारे मजदूरों के हितों पर कुठारा घात हुआ है। किसान भी भूल जाए कि वो किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस यहीं रह जाएगी। जब कांग्रेस ने मंडियां खत्म करने के लिए कौन सी सब्जी मंडियां खत्म करने की बात की थी तब सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तान की संसद में एक भाषण दिया था, आजकल वो ट्रोल हो रहा है, जगह जगह सुनने को मिल रहा है जिसमें वो कह रही है, जिसमें सुषमा स्वराज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर कह रही है कि अडानी और अंबानी को, सिंघानिया और डालमिया को, कारगिल कंपनी को, किसान जो पगड़ी बांधता है धोती पहनता है उसमें से बदबू आएगी, अगर ये कानून बन जाएगा तो वो बदबू आने वाले किसान के पास नहीं जाएगी। आज वही भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आज उन्हें बड़े उद्योगपतियों को ला रही है और पगड़ी और चादर पहनने वाले, धोती पहनने वाले किसान जिसमें बदबू आने की बात बीजेपी कह रही थी, जिस आड़तीय को बीजेपी किसान का बैंक बतला रही थी, जिस मजदूर को किसान का हमदर्द बतला रही थी, उन सब का गला काटने के लिए ये तीनों अध्यादेश बिना बहस के पारित करवा रही है। इसलिए मित्रों
कह रहे हैं अधिकारी गए हैं। कोई बात नहीं, अधिकारी गए हैं। हम जब पहले दिन यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे तो हमें एसडीएम साहब खुद कह रहे थे कि आप बचाव रखें। बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि कोरोना का संकट है, क्योंकि कोरोना के नाम पर हमको इतना डरा दिया, विदेश से कोरोना लेके आ गए, हिंदुस्तान में फैला दिया और हर आदमी को डरा दिया कि तू कोरोना से बच और हम तेरे को मारने के लिए अध्यादेश ला रहे हैं, हम तेरे को काटने का अध्यादेश ला रहे हैं, चाहे शिक्षा का अध्यादेश लाए हैं, चाहे बेरोजगारी का अध्यादेश लाए हैं, चाहे फुटकर व्यापार का लाए हैं और चाहे कृषि का लाए हैं, वो आम आदमी के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले लाए हैं। ये सामने बैठे हैं कि हमारे गांव के स्कूल को हिंदी से अंग्रेजी कर दिया, रतनपुरा वाले साथी खड़े हैं, मुझसे पूछ रहे थे क्या होगा। मैंने कहा केंद्र सरकार जो अभी लाई है शिक्षा विधेयक, वो जब धरातल पर आएगा तो किसी का भी बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी कि गरीब का बच्चा या तो खेत में जाएगा या मजदूरी करेगा और कहीं पर बर्तन साफ करेगा, ऐसी हालात हो जाएगी। क्योंकि 3000 विद्यार्थी जिस शिक्षण संस्था में नहीं होंगे वो चल भी नहीं पाएगी। इसलिए मित्रों, आपको और हमको सबको एकत्रित होना है, मजबूती के साथ इकट्ठा होना है। आज इनसे अनुरोध करके बैठक बुलाते हैं और फिर अगला प्रोग्राम क्या करके हिंदुस्तान के आम आदमी की जो लड़ाई है उसको मजबूत बनाना है। इसलिए मैं जोर से नारा लगाऊंगा, आप सारा जोर से जवाब दें, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बहुत बहुत धन्यवाद।